Hi, welcome to Prep Career. I am Vikas Halawat and I'll be discussing about a lot of things which can help you in clearing prelims with more than 120 marks. We are starting with prelims countdown series. So, is series mein hum kya baatein karenge? Strategy kya honi chahiye? Kya do's hain? Kya don'ts hain? Because most of us, we study very well, pure saal achhe se padh lete hain, lekin last ke 10-15 din mein aake kuch na kuch gadbadi kar baithte hain. So, उस चीज़ से बचने के लिए आई विल बी गाइडिंग यू, आई विल बी योर मेंटर. ओके, दिस वीडियोज़ विल बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. सिर्फ काम की बातें करेंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें करनी है. इट विल बी फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन कि भाई जो आपका 5 June को एग्ज़ाम है उसमें आप किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. सो देयर आर सर्टेन डूज, है ना, कि जब भी हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे पूरे एक साल में, हमने सोचा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लास्ट में क्या हो पाता है, ऑल ऑफ अस नो कि कितना हम अचीव कर पाए कितना नहीं अचीव कर पाए. बट लेट अस नॉट जज आर सेल्फ फ्रॉम आर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बिकॉज अब UPSC में आपके पास हमने 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड टू मैनेज दो 100 क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्या आपने किया है क्या आपने नहीं किया, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट स्पेसिफिक डे. सो दे आर सर्टन डूज विच वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन, उनको एक बार डिस्कस करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट अस ट्राई टू इवॉल्व अ स्ट्रेटजी जिससे कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें इन नेक्स्ट 15 डेज. और जो एंग्जाइटी क्रीप इन हो जाती है ड्यूरिंग दिस फेज, इट हैपन्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, इट हैपन्ड विद मी व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट. सो उसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है. सो फर्स्ट इज फोकस ऑन कंसोलिडेशन. व्हाई कंसोलिडेशन? देखो यार, अब कुछ नया ज़्यादा पढ़ के कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, और कुछ नया पढ़ भी लिया उससे कुछ आएगा, देर इज़ नो गारंटी अबाउट दैट. सो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमें 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करेक्ट करने होते. अब कुछ नया मटेरियल पढ़ के उससे कुछ एक आधा क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर भी पाओगे तो हो सकता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसोलिडेशन, लैक ऑफ रिविजन ऑन योर पार्ट, आप जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो गलत कर दें. सो विल बी लॉट ऑफ, हमारा मेन फोकस इसी चीज़ पर रहना चाहिए, कंसोलिडेशन करना कैसे है. इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आएगा आपके स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स के, जो आपके नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिविजन यू हैव टू सी विच स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. दैट्स वाई आर सेकेंड फोकस शुड बी ऑन एग्जाम रेडीनेस. वट इज़ रेडीनेस? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. हमने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, हम भी कई बार मॉक टेस्ट सोचते हैं कल देंगे बट नहीं देते हैं जाके. वाई? बिकॉज वो फियर क्रीप इन हो रहा है आपके अंदर कि भाई पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, 100 आएंगे, 90 आएंगे, 80 आएंगे. वो जो एक सिचुएशनल आ जाती है हमारे बीच में, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस टाइम. सो एग्ज़ाम रेडीनेस के लिए आपको स्ट्रेटजी क्लियर चार्ट आउट करनी है, मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितना मुझे टाइम देना है, किस तरीके से पेपर आपको अटैम्प्ट करना है. आई विल बी कमिंग आउट विद अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, बट यहाँ पे आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है, पढ़ना सब एक तरफ है, रिविजन एक तरफ है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन जो होता है वो अलग रहता है. इसलिए एग्जीक्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट करो अब, कि 2-3 मॉक टेस्ट आपको देने, नॉट ओनली फॉर जनरल स्टडीज बट ऑल्सो फॉर सी सेट. तो मॉक से आपको रियलाइज होगा, और मॉक कभी भी एक इंस्टीट्यूट के नहीं देते, ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या रहता है, देयर इज अ स्पेसिफिक सेम काइंड ऑफ पैटर्न विच गेट्स रिपीटेड इन दी एग्जाम. इसलिए 2-3 इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग आप मॉक टेस्ट अभी दीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्राई टू सी विच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, उन्हीं को ही फिर कंसोलिडेट करिए. सो दैट्स वाई 1 and 2 दे आर लिंक्ड टू ईच अदर. ऑल राइट, एंड थर्ड एंड प्रोबेबली जिस चीज़ पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते एज UPSC एस्पिरेंट, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है और अन में कि बस खाते पीते रहते हैं, ठीक है ना, रात को जगते रहते हैं, रात को पढ़ते रहते हैं. सो हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है. सो वट यू नीड टू डू, करेक्ट योर स्लीप साइकिल. पेपर जो है सुबह होने वाला है, ठीक है, 9:30 बजे आपको जाके एग्जाम देना है. सो दैट्स वाई हेल्थ सेंट्रिक रूटीन बना लो आपसे कि भाई बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज एट टाइम्स इट हैपन्स कि फूड पॉइजनिंग हो गई, 1-2 दिन खराब हो गया आपके, उससे फिर पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है. सो दैट शुड नॉट हैपन नाउ. यू हैव टू मेक श्योर कि अभी आप जो भी खा रहे हो सेफ साउंड अच्छे तरीके से खाओ, ठीक है ना. कोशिश करो कि अभी घर का ही खाना खाना है, बाहर का हमें खाना खाना ही नहीं है. ओके, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करो सो दैट जो आपका एक्सेस स्ट्रेस बिल्डअप होता है, बिकॉज इट हैपन्स वंस एंड ट्वाइस इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स, तो स्ट्रेस बिल्डअप बहुत ज़्यादा शुरू होता है इन द लास्ट फ्यू डेज. वी हैव टू मेक श्योर कि इफ देर इज अ हेल्दी रूटीन तो हम उस स्ट्रेस को भी इवेड कर सकते हैं एंड वी कैन मैनेज आवर इमोशंस वेरी वेल. सो दैट्स वाई दीज 3 डूज आपको ध्यान रखने हैं. यू हैव टू कंसोलिडेट, यू हैव टू मेक अ फाइनल एग्जाम स्ट्रेटजी, मीट योर मेंटर इफ यू आर नॉट एबल टू
फाइंड वन मेंटर, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, विल रीच आउट टू यू, आपकी हेल्प करने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स पर्पस. ओके, सो प्रेप करियर में भी अच्छे इनिशिएटिव्स हम लेने वाले हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. एंड फाइनली हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान देना. नाउ विल मूव ऑन टू सर्टेन थिंग्स विच ऑल ऑफ अस ट्राई टू एंड अप डूइंग. ऑलराइट, हम ये कर बैठते हैं इवन इफ वी नो कि भाई ये नहीं करना था. बिकॉज 6 तारीख को बैठ के आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, अभी सोच लेते हैं ना कि अगले 10-15 दिन क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है. दे आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अवॉइड. सो सबसे पहला है डोंट ओवर एग्जर्ट. अब ये मत सोचो कि यार अगर अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए थे कि अब 16-17 घंटे पढ़ के अब निकाल दोगे. नो, नाउ इज़ द टाइम टू गिव अ लिटल बिट ऑफ स्पेस टू योर माइंड. बिकॉज इतना ज़्यादा फैक्चुअल हम क्रैमिंग करते हैं बैठ के, ठीक है, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हमने किए, हम सोचते हैं कि एक टाइम पे सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हो, है ना, दिमाग में लगता है ना कि भाई चैप्टर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत में क्या क्या लिखा है, फिर याद नहीं आता, फिर आप अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, अरे यार मैं तो सब भूल रहा हूँ, कैसे होने वाला है प्रीलिम्स. ओके, सो ये सारी जो चीज़ें होती ना एग्जर्शन की तरफ लेके जाएंगी, वेयर यू आर ट्राइंग टू फाइट विद योर माइंड कि ये क्यों नहीं रिमाइंड हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. नो, डोंट ओवर एग्जर्ट. एक प्लान बनाओ, आज अपना एक प्लान बनाओ कि भाई मुझे कल परसों 3-4 दिन के लिए क्या करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, रैदर देन इतना ज़्यादा ओवर एग्जर्ट कि अब लास्ट टाइम पे किसी ने बोल दिया यार न्यू एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं आपने, आप एनसीईआरटी लेके बैठ गए. नो, डोंट चेंज योर सोर्सेज, डोंट ओवर एग्जर्ट एट दिस टाइम. नाउ इज़ द टाइम टू टेक इट अ बिट स्लो स्टडी, अपना रिविजन पे फोकस करो सो दैट कि आपके पास एनर्जी हो फॉर 5th of June. अगर वो एनर्जी उस दिन नहीं आएगी तो फिर हमारे पास दिक्कत हो जाएगी. Alright, so don't over-exert. Second, don't panic. It is just an exam. Don't make it a question of life and death. उस एग्जाम को एग्जाम की तरह लो. इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया. मैनी स्टूडेंट्स दे क्लियर प्रीलिम्स विद वेरी मिनिमल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं करते. सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वट यू आर राइट नाउ, उस दिन किस तरीके से आप हैंडल करने वाले हो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स वाई पैनिकिंग एट दिस स्टेज इज़ नॉट एडवाइजेबल. अपने आप को कंपेयर मत करो अपने दोस्त के साथ कि यार मैंने तो ये वाली टेस्ट सीरीज कर ली, दोस्त ने वो वाली कर रहे, वो कह रहे कि ये वाली अच्छा है, तुम सोच रहे हो कि यार मैं तो फिर क्या ही करूँगा. इट हैपन्स, राइट, देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स दे कम अप कि भाई मैंने तो ये भी प्रिपेयर कर लिया है, आप सोच रहे हो उस टाइम के यार मैंने तो ये प्रिपेयर किया ही नहीं है बिल्कुल भी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है अपना PYQ सॉल्व करो, जो टेस्ट वगैरह दिए हैं उनको रिवाइज करो, जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए थे, कुछ आपने एलिमिनेशन टेक्निक्स, किसी ने बोल दिया कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक के बाद तो आप पास हो ही नहीं सकते उसके बिना, तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से पास होने वाले हैं, ठीक है ना. 20 and 21 में दे हैव नॉट वर्क दैट वेल. UPSC इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द वे दे आर क्रिएटिंग क्वेश्चन नाउ. इट्स नॉट 2014 से 2019 का एक फेज अलग था जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स रिलेटिवली ईजी यूज हो जाती थी. दैट इज़ नॉट द ट्रेंड नाउ. अब साइंस में सब लोग सोचेंगे डी लगाते डूम्स डे आने वाला है, ठीक है, वो मैं सोचना कि भाई साइंस में डी मार किया और पास हो जाएंगे. दैट हैज़ चेंज नाउ. सो मेक श्योर यू आर नॉट पैनिकिंग. स्टे स्टेबल, कॉन्फिडेंट रहो. जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे उतना स्टेबल तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे इन नेक्स्ट 15 डेज. एंड दिस रिविजन एंड दिस गुड मूड जो आपका रहेगा इज गोइंग टू हेल्प यू इन दी विक्ट्री और दी क्लियरिंग द एग्जाम. एंड लास्ट, डोंट अवॉइड सी सेट. अब तो मोस्ट ऑफ अस नो कि भाई किसी ना किसी का एक आधा अटैम्प्ट खराब हो ही चुका होगा सी सेट की वजह से, आपका नहीं तो आपके किसी दोस्त का हो चुका होगा. दिस इज़ हाउ द सी सेट हैज़ बीन फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स. सी सेट में अब आपको एक फाइनल स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई मेरा कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्वांट स्ट्रॉन्ग है या फिर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू हैव टू सी कि भाई मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. 80 में से 50 करोगे, 45 करोगे, कितना रिस्क लेना है, क्या लेना है, यू हैव टू डिसाइड. कॉम्प्रिहेंशन में बहुत डिफरेंट तरीके के कीवर्ड्स आने लग गए हैं, दे आर नॉट लाइक बिफोर, राइट, कि भाई ईजी तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो जाएगा. सो मेक श्योर यू आर नॉट अवॉइडिंग सी सेट नाउ कि भाई लास्ट के 3 दिन कर लेंगे. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. यू हैव टू लर्न सर्टन फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स, यू हैव टू लर्न सर्टन मैथड हाउ यू आर गोइंग टू रीजन आउट द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग. ओके, किस तरीके से क्या अप्रोच फॉलो करोगे आंसर निकालने के लिए, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. एंड इफ़ यू आर वीक इन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो उसमें भी देखोगे भाई किस तरीके से आंसर निकालना. देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब विच कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, तो उनका थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो. बट येस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट ओवर यूज सोशल मीडिया. अब बैठ के अगर सोशल मीडिया पे पूरे दिन यूट्यूब के वीडियोस देखते रहोगे या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि नया शॉर्ट्स आ गया ये देख लेते हैं इससे शायद फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन.
ओके सो ट्राई टू मेक श्योर कि विच एवर टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ना उसको सही तरीके से यूज़ करना है. डोंट ओवरकिल योर सेल्फ कि सोशल मीडिया को यूज़ करने लग गए इस टाइम पे ज़्यादा. तो दीज आर द डोंट्स. ओवर एग्जर्ट मत करो. डोंट स्टार्ट पैनिकिंग कि भाई होगा नहीं होगा. फाइनल रिजल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, है ना. गीता का भी यही पार्ट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी फेयर एंड स्क्वायर. इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स. कर्म करो, अच्छे से कर्म करो, एंड दैट्स व्हाट यू कैन. जो फल आने वाला है दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स राइट नाउ. विद दिस मैसेज आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू कि भाई हमने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्ट्रेटजाइजिंग. सो ये छोटे छोटे वीडियोज़ हम बनाएंगे हर एक इम्पॉर्टेंट पर्स्पेक्टिव पे. उस पर फिर 5 से 10 मिनट लगा सकते हो. उसके वो आपको बेनिफिट ही करने वाला है सो दैट कि आपका जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से आए. ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द प्रेप करियर टीम. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर दिस इनिशिएटिव और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिल्म्स 2022.